Hello viewers, welcome to my new video, and in this video we'll be talking about individual obstacle. And individual obstacle आपका बहुत ही simple task है, 3 मिनट का task है. आप सबसे पहले आपका day 4 में यही test conduct होगा. और GTO sir क्या करेंगे आपको, पहले ही आपको CHM साहब आपको evening में a day before आपको brief कर देंगे कि आपने इस समय पे 6:30 या 7 बजे आपने रिपोर्ट करना है, क्योंकि जो 2 या 3 या 4 जो भी ग्रुप बने हुए होते हैं तो सीरियल वाइज उनको कंडक्ट कराते हैं. तो जैसे एक ग्रुप को अलॉट किया है एक GTO, दूसरे ग्रुप के लिए दूसरा GTO, सो दे इंश्योर दैट देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन ऑल द ग्रुप्स एंड देयरफॉर दे कॉल यू एट स्पेसिफिक टाइम. और वो चीज़ आपको इन्फॉर्म पहले ही कर दी जाती है. तो जब आप जाते हो डे 4 में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करने, तो आपको वहाँ पे टास्क दिखते हैं. और सबसे पहले सर आपको क्या कहेंगे कि आपने वहाँ पे जाके शेड में बैठ जाना है और ऑब्स्टिकल्स की तरफ आपने फेस नहीं करना है. और फिर वहाँ सर आएंगे और वहाँ ब्रीफ करेंगे कि आपके अब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होने वाले हैं. और ऑलरेडी पहले वाले ग्रुप वहाँ पे ऑलरेडी करते रहते हैं, तो आप उनको देख सकते हो कि वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. तो जनरली क्या रहता है कि सब एक ही जगह से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम ही रहता है, बट देयर आफ्टर वो अपना थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं. तो मैं आपको हर ऑब्स्टिकल के बारे में बताने वाला हूँ और कैसे कैसे आपने ऑब्स्टिकल करना है, कौन सा टफ रहता है, कौन सा ईजी रहता है, और हर ऑब्स्टिकल को आपको कैसे टैकल करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो जब आप ग्राउंड पे पहुँचते हैं तो GTO सर आपको ब्रीफ करेंगे कि आपका होने वाला है टेस्ट. एंड इसके बाद सर आपको क्या करेंगे कि आपको पूरा ग्राउंड का एक टूर कराएंगे और एक एक ऑब्स्टिकल दिखाएंगे कि ये आपका बर्मा ब्रिज है, ये है आपका सिंगल रैंप और ये है ज़िगज़ैग. तो इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपने पूरा एक होलिस्टिक व्यू लेना है कि सारे ऑब्स्टिकल्स की लोकेशन आपने ट्रेस कर लेनी है, दिमाग में फिक्स कर लेनी है, और आपने कहाँ से शुरू करना है ये आपने थोड़ा बहुत मोटा मोटा बना लेना है दिमाग में. तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमारे समय क्या हो रहा था कि वहाँ अलाहाबाद में बारिश होने लगी थी और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी. तो ऑलरेडी पहले वाले ग्रुप के समय बारिश एंड में शुरू होने लगी थी और हमारे समय बहुत होने लगी थी, तो मेरा एंड में ही था चेस्ट नंबर. सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि आज इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हमारा पोस्टपोन हो जाएगा या तो फिर होगा ही नहीं. बट टू अ शॉक एंड सरप्राइज GTO सर ने अम्ब्रेला लिया और अम्ब्रेला अपने को प्रोटेक्ट किया उससे, और ग्राउंड्समैन को इंस्ट्रक्ट किया कि सारे कैंडिडेट्स को आप ग्राउंड पे ले आओ. और उसके बाद सर ने एक एक ऑब्स्टिकल दिखाया हमें, और उसके बाद हमें 1 मिनट दिया कि आप पूरा टूर लगा लो, आपने कैसे बनाना है, आपने कैसे करना है ऑब्स्टिकल. तो वो चीज़ हमने टूर लिया, उसके बाद वो आपको शेड में ले जाके बैठा देंगे एंड वो आपको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ये आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि आप अपना फेस मास्क और हैंड ग्लव्स और जो भी आप फेशियल पहने हो वो चीज़ आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका इंडिविजुअल होने वाला है, आपका कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे. तो आप जब ऑब्स्टिकल कर रहे होगे तो वो सब चीज़ें आप हटा सकते हो इसी ऑब्स्टिकल के लिए, बस इसी टेस्ट के लिए आप ये सब हटा सकते हो. सो एज आई सेड कि बारिश होने लगी थी और सारे ऑब्स्टिकल हमने बारिश में ही किए हैं, तो काफ़ी स्लिपरी हो गया था. बट जब आपको GTO सर कंडक्ट करा रहे हैं टेस्ट तो आपने करना ही करना है, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. थोड़ा बहुत स्किट करता है बट आपका जो सोल है ना वो अच्छा होना चाहिए, तो उससे स्किट नहीं करेगा और आप फिसलोगे नहीं वहाँ पे. और इंश्योर करो कि कोई इंजरी ना हो, क्योंकि फिर वहाँ पे इंजरी होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है आगे के टेस्ट में. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ऑब्स्टिकल, एंड योर फर्स्ट ऑब्स्टिकल इज़ सिंगल रैम्प. सो सिंगल रैम्प की आप फोटोग्राफ देख सकते हो, एक रैम्प है जो एक एलिवेटेड रैम्प है और आपने इसके ऊपर चढ़ना है, एक एक पैर रख के आपने आगे बढ़ना है और फिर जंप मार देनी है. तो इससे आपको 1 मार्क्स मिलेगा एंड जो भी ऑब्स्टिकल के ऊपर नंबर लिखा होता है उसी के इक्विवेलेंट आपके मार्क्स होते हैं. तो जैसे अगर आप सारे 10 के 10 कर लोगे तो आपको मिलेंगे 55 मार्क्स, एंड ये आप रूल जानते हो कि 55 जब आपको मिल जाते हैं, जब मतलब आपने 10 ऑब्स्टिकल कर लिए हैं तो आप फिर से एक रिपीट कर सकते हो, 2 रिपीट कर सकते हो, जितने चाहे आप रिपीट कर सकते हो. तो आपका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाले मार्क्स को रिपीट करो, 10, 9 नंबर या 8 नंबर वाले को रिपीट करो. सो फर्स्ट ऑब्स्टिकल इज़ वेरी सिंपल. सेकेंड ऑब्स्टिकल है आपका डबल बैरल. तो डबल बैरल में क्या होता है, आपके 2 बैरल ज़मीन में धंसे हुए होंगे, आधे धंसे हुए होंगे और आधे का ऊपर प्रोजेक्शन होगा. तो वहाँ से आपने स्टार्टिंग लाइन से मतलब एक तरफ से जाना है और जंप मार देनी है उसके ऊपर से और दूसरी तरफ चले जाना है. तो आपने बैरल पे नहीं पैर रखना है, वो रेड कलर से पेंटेड होगा, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है. और आपकी एक तरह की ये लॉन्ग जंप है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आप उस पर स्टेप ना करो. और वहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे बैरल के ऊपर आपके कटीले तार होते हैं, सो प्लीज़ इंश्योर कि आपका पैर कटीले तारों पे ना आए और एक ही बार में आप कर लो.
क्योंकि देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सेकेंड चांस एंड यू विल गेट हर्ट इफ यू विल मिस आउट ऑन द फर्स्ट ओकेजन. सो प्लीज इंश्योर कि आपका जजिंग डिस्टेंस सही हो और पूरा जान से आप एक बार जंप मार दो और बैरल के पार हो जाओ. तो ये बहुत ही सिंपल रहता है, आप जान से लगाओगे तो हो जाएगा, बट फिर भी कोई ना कोई इंजर हो ही जाता है. और गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली बता दूं कि ये जो डबल बैरल है उसका डिस्टेंस छोटा हो जाता है, छोटा रहेगा आपका बैरल, छोटे रहेंगे और जंपिंग डिस्टेंस आपका छोटा रहेगा. सो व्यूअर्स, आपका थर्ड ऑब्स्टिकल है ज़िगज़ैग और एक तरह का ये बैलेंसिंग बीम है. तो इसमें आपने क्या करना है कि आपका तीन और आपके ज़िगज़ैग बीम सामने एलिवेटेड होंगे और आपने बहुत ही बैलेंस मेंटेन करते हुए, अगर आपका ओवरवेट है और या फिर आपकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने बॉडी को बैलेंस आउट कर सको, तो इस चीज़ की आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड जनरली पब्लिक पार्क्स में आपको ये ज़िगज़ैग वाले बीम मिल जाएंगे. सो ये जो तीन वुडन लॉग लगे हुए हैं आपके सामने, उसमें आपका डिस्टेंस आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग और फिनिशिंग में आपका एलिवेटेड है और इसमें आपका कनेक्टेड होगा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इसमें आपने मेंटेन रखना है बैलेंस अपना. बट हमारा बारिश के समय बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा था और कोई भी नहीं कर पाया था. तो ये एक स्ट्राइकिंग फीचर था कि बारिश में कोई भी ये ज़िगज़ैग नहीं कर पाया था. सो आपकी अप्रोच यही रहनी चाहिए कि अगर आप नहीं कर पाओ तो उसको स्किप कर दो और दूसरे ऑब्स्टिकल पर जाओ. फोर्थ ऑब्स्टिकल आपका होता है हाई स्क्रीन जंप. तो इसमें आपका क्या होता है, एक बैलेंसिंग बीम या प्लैंक आप कह लो, वो आपका एलिवेटेड रहेगा, काफ़ी ऊपर तक एलिवेटेड रहेगा और सामने आपके एक पोल पे रेड कलर का एक पर्दा लगा होगा जिससे वो आपका टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको फियर ऑफ हाइट या फियर ऑफ अननोन तो नहीं है. आपने इसमें इंश्योर करना है कि आप जब पूरा नीचे से ऊपर जाओ तो एंड में जब आप पहुँचते हो तो आप दोनों पैर को एलिवेट करके फिर स्क्रीन पर जंप मारो, तभी आप कर सकते हो, वरना आप एक पैर उठा के नहीं कर सकते. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज़ मुझे प्रैक्टिस करते समय मैंने ये चीज़ सीख ली थी कि आप एक बार में नहीं कर सकते. तो आपने बस इसमें यही इंश्योर करना है कि जब आप एंड में पहुंचो तो दोनों पैर को आप उठाओ और जंप मार दो स्क्रीन के पार. एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आप वहां जाकर रुक जाते हो तो आपको डरना नहीं है, आप फिर से नीचे आओ और फिर से जंप मारो. आपको ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि आपने दोनों पैर उठा के वहां स्क्रीन के पार जंप मारनी है, और नहीं कर पाओ तो नेक्स्ट वाले ऑब्स्टिकल पे जाओ, तो उसके पीछे समय बर्बाद मत करो और दूसरे ऑब्स्टिकल की तरफ चले जाओ. आपका नेक्स्ट ऑब्स्टिकल होगा बर्मा ब्रिज. तो बर्मा ब्रिज काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि सबसे पहले आपने ऊपर चढ़ना है और 10 फीट की हाइट पे आपके दो रोप टाइड होंगे, तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो. तो इसमें आपने इंश्योर करना है कि आपका जो 10 फीट आपने पहले आप चढ़े ऊपर और फिर लेटरली आपने पैर रखना है और एक एक कदम आपने बढ़ाना है, और वहाँ पे एक रोप होती है, रोप से नीचे आ सकते हो एंड में, या फिर आप फिर से सीढ़ियाँ आगे जाके सीढ़ियों से उतर सकते हो. तो ये चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि आपने हल्के हल्के आगे बढ़ना है, आपने एक बार में एक ही स्टेप कवर करना है, तो इससे आपके रोप में मूवमेंट कम होगी, शेक कम करेगा और आप आसानी से कर लोगे. तो इसमें इंश्योर करो कि आप नीचे मत देखो. और इसमें आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से ऊपर पकड़ लिया और एक एक पैर आपने आगे बढ़ते जाना है, इस तरह से आपने पहले फर्मली पकड़ लो ऊपर रोप को और फिर नीचे पैर लेटरली आपने रखने, ऐसे जैसे अगर रोप ऐसे है तो आपने पैर ऐसे रखने हैं. तो लेटरली आपको मालूम है कि किस तरह से रखना होता है पैर. तो इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपका हाथ से फिसल भी जाए, ऐसे केसेस होते हैं जो ओवरवेट कैंडिडेट्स हैं या फिर जो वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर पैर आपका नीचे से फिसल जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा था बारिश के समय, वहाँ पे काफ़ी फिसलन थी, तो इसमें आपने इंश्योर करना है कि अगर आप फिसल जाओ तो पैनिक मत करो, पैर फिर से रोप पे लाओ, हाथ से पकड़े रहना है ऊपर, ऊपर वाली रोप आपने छोड़नी नहीं है, हाथ से पकड़े रहना है और फिर पैर आप रोप पे आराम से बैलेंस करो और फिर आप एक एक स्टेप आगे बढ़ा के आगे बढ़ते रहो और फिर नीचे आराम से आ जाओ. अगर आपका बॉडी बैलेंस सही है और आप रोप से नीचे आ सकते हो तो आप रोप का इस्तेमाल करो, अदरवाइज आप स्टेज का इस्तेमाल करो. सो इस वीडियो में आपके 5 ऑब्स्टिकल मैंने कवर करे हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सारे ऑब्स्टिकल आपको इसी वीडियो में कवर कर दूंगा. जनरली एवरीबडी आस्क मी वेदर दे नीड टू प्रिपेयर ऑल दीज ऑब्स्टिकल बिफोर हैंड एट होम और नॉट. आप इसकी किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर घर के आसपास आपके ऐसे ऑब्स्टिकल अवेलेबल हैं पब्लिक पार्क्स में या फिर आप कैन रीजन में रहते हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, इस तरह के ऑब्स्टिकल मिल जाएंगे, आप किसी से कोऑपरेशन ले सकते हो और ये सारे ऑब्स्टिकल एक बार कर सकते हो वहाँ पे. बट अगर आप नहीं भी है आपके पास ऐसे ऑब्स्टिकल आसपास में, तो आपने बस अपनी फिटनेस मेंटेन रखनी है, तो आप आसानी से समझ जाओगे कि किस तरह से आपने परफॉर्म करना है, और आसानी से हो जाएगा जब आपकी फिटनेस मेंटेन रहेगी. द बॉटम लाइन इज दैट यू हैव टू मेंटेन गुड फिजिकल फिटनेस एंड दैट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग ऑल दीज ऑब्स्टिकल इन द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट. So that's it in the video, and I'll cover the leftover 5 obstacles and I'll tell you more about individual obstacle in that video. So stay tuned and like this video, subscribe my channel and share it among your friends, and I'll see you in the next video. Jai Hind!